आप सभी का आरजे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि वर्लपूल के फ्रिज में E3 एरर का मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो E3 एरर आ रहा है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे और भी हम वीडियो बनाते रहें। सिर्फ एक सब्सक्राइब जरूरी है। देखिए, हम इसको E3 का एरर सेंसर का होता है और ये हम सेंसर चेक कर रहे हैं। डिफ्रोस्ट सेंसर कहा जाता है जो फ्रीजर के अंदर कूलिंग कोइल पे लगा होता है। तो इस तरीके से सेंसर का जो वायर होता है, पीछे पीसीबी लगी होती है फ्रिज के, तो हम ये सारे सेंसर चेक कर रहे हैं। इसमें हमें पहले देखना है पीसीबी में से करंट आ रहा है कि नहीं। तो हम देखिए, हमने देखा है करंट आ रहा है। फिर इसके बाद हमने ये देखिए, हमने डीसी वोल्ट चेक किया है क्योंकि सेंसर हमेशा डीसी पे चेक होता है। तो डीसी वोल्ट चेक करने पे हमें पता चला है ये वोल्टेज पीसीबी सही दे रहा है। बट जब हमने सेंसर को चेक किया है, रेजिस्टेंस 2.57 करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा डिफ्रोस्ट सेंसर जो है वो ख़राब है। तो इस तरीके से आप सेंसर चेक कर सकते हैं, दो तीन तरीक़ों से, वोल्टेज डीसी वोल्टेज नाप के और इससे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।